अंग्रेजी गिट पिट से न चाइना के मोबाइल से। अरे हम तो लव करते हैं बबुआ बिहारी स्टाइल से। अरे खट्टा मीठा मजेदार लव इन गुलशन है बिहार। अरे खट्टा मीठा मजेदार लव इन गुलशन है बिहार। अरे हम तुम्हारे भलाई के लिए कह रहे हैं भाई, अपना राजदान बना लो हमको, अम्मा से मिलकर दोनों फाइट करेंगे। आप सब लोग हमसे रोज रोज एक जैसा बात करेंगे ना तो हम जिद में आके कोई गलत कदम उठा लेंगे, हम बता रहे हैं आप लोगों का। अरे का गलत काम किए हैं हम? सलाम का जवाब देना गलत होता है का? बिल्कुल गलत बात हो गया। एक बात ये, और सुनसान गली में लड़का और लड़की मिलेंगे तो तोहमत ना ही लगेगा मोहल्ले से। कैसे बात कर रहे हो तुम? बस कर दीजिए अम्मा, बस कर दीजिए, बस कर दीजिए, जाइए ये लीजिए पानी, हम तुम्हारे हाथ का पानी भी नहीं पीते। कैसा ये बहन और भाई इतना बदतमीज हो गए, ई का रस्सी डाल के खींचना होगा। हमको तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि नौसाद इतना बदल गया है। अरे नहीं अम्मा, हम बता रहे हैं वो नाटक कर रहा है। अभी उको हमसे मतलब है ने, इसीलिए। अरे नहीं मुन्नी, कुछ भी हो है तो हमरा खून ना अब इतना बुरा भी नहीं है। ठीक है, लगा के रखिए गले जैसे अपने खून को हम का, मगर जब फिर धोखा देंगे ने तो हमारे पास मत आइएगा आप रोते हुए। आपको तो वैसे ही नफरत है हमरे नौसाद से। हमारी नफरत से तुमका क्या तकलीफ है भाई? तुम करती हो ना उससे मोहब्बत तो करती रहो, हम कौन सा रोक रहे हैं। का फालतू का बात तुम दोनों ने शुरू कर दिया, जाओ जाके खाना निकालो। हमको खाना नहीं खाना, न खाएंगे और ना ही गरम करेंगे। ये जो आपकी चाहिए थी ना, ई को बोलिए ये गरम भी करेंगी और आपको खिलाएंगी भी। देखा अम्मा, देखा कैसे टर-टर कर रही हैं ये। सदवा को कुछ बोल दो तो मिर्चा लग जाता है। मुन्नी तुम भी तो फालतू का बात करती हो ने, उका सौहर है, उको बुरा तो लगेगा ने। अब जब तक तलाक नहीं होता तो दोनों का रिश्ता तो कायम है ने। अब हम और तुम रिश्ता थोड़ी तोड़ सकते हैं। नौसाद बदल गया है, ये अच्छा बात है, और इसी बात का खुशी हो रहा है उका, और तुम उसको गुस्सा दिला दी। वो पंजाबन के लड़कन के साथ ऐसे बातें कर रही थी जैसे बहुत अरसा पुराना दोस्ती हो। अरे भाई बरसों से जान पहचान है ना भाई, बचपन में साथ खेले कूदे हैं तो बका हो गया। जब भी बोलेंगे उल्टा ही बोलेंगे। अरे तो ऐसा कहा बोल दिया हम जो इतना तिल मिला रही हो तुम? जवान लड़किन के बाप हैं आप, सोच समझ के जवाब दीजिए ना। अगर बचपन में साथ खेले हैं जरूरी तो नहीं है कि जवानी में भी साथ खेल लें। जवान लड़की लड़का सुनसान गली में खड़े हैं और आप मजाक में उड़ा रहे हैं। अच्छा तो गले में ढोल डाल के पूरे मोहल्ले में ऐलान करें कि हमारी जवान बिटिया एक जवान लड़के से बात कर रही थी, बात करती है तुम? अरे सभी मकतर वो जमाना नहीं है कि जवान लड़के को देख कर लड़की घूंघट उठा लेती है। आजकल के लड़की लड़का लोग साथ पढ़ते हैं, साथ काम करते हैं, तो रास्ते में दो चार बात कर लिया तो क्या कयामत आ गया? हमरे पर तो कयामत आ गई ना। बेटा आचार वाली की बेटी को पसंद करनी है और बेटी पंजाबी फैमिली में सेट होना चाहती है। हमरा दिल चाहता है हम मर जाए, अपना मुख किसी को दिखाने के काबिल ना रहे। इसको अलमारी में रख के अलमारी में अपने मुंह को हटिए यहाँ से। का यही तुम लोगों का जायदाद ओछनी थी? नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। ईका तो हमका भी यकीन है, आप अभी को हम 4-5 साल से जानते हैं, पूरा मोहल्ला का बहुत ख्याल रखती हैं, जरा जरा भी तकब्बुर नहीं है उनमें, और फिर पूरा मोहल्ला पे वो दोनों हाथों से पैसा लुटाती हैं, और जो आदमी दोनों हाथों से अपना दौलत लुटाता हो वो कैसा दूसरे का जायदाद पर नजर रखेगा। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आंटी आप, हमारी जान बहुत अच्छी, हालांकि हमारे खानदान की नहीं है, मामू ने अपनी पसंद की शादी की थी, इसलिए पूरा खानदान उनसे नफरत करता था, लेकिन हमारी जान इतनी अच्छी थी कि प्यार मोहब्बत से सबके दिल जीत लिए, और एक वक्त ऐसा भी आया कि मेरी नानी अपने 500 बेटों में से किसी के भी घर रुकने के लिए राजी नहीं थी।
वो सुभान मामू के घर पे ही रहती थी और वहीं इंतकाल हो गया हमारी जान की वजह से। सुभान मामू हमारी जान के शौहर का नाम था। पर बेटवा एक तो बात हमरा समझ में ना ही आए कि आपा भी इतना अच्छी हैं तो साजिया उससे इतना नफरत काहे को करती है। ये एक अलग स्टोरी है आंटी। असल में बचपन में शाजिया की मंगनी हमारी जान के छोटे बेटे के साथ पक्की हो गई थी तो पढ़ने के लिए बाहर चला गया और वापिस ही नहीं आया और वहीं शादी कर रही। बस तब से ही शाजिया हमारी जान से नफरत करती है। अरे तो इसमें आपा बीब का क्या कसूर है भाई? कौन समझाए शाजिया को? वो समझती है कि मुमानी जान अपने बेटे के साथ मिलकर ये मंगनी तोड़वाना चाहती थी और कामयाब हो गई और अपने बेटे की शादी किसी दूसरी जगह कर दी। शादी ब्याह तो नसीब का खेल है। अल्लाह ने जहां जोड़ी बनाया है शादी वहीं होगा। बाबू का बा दोजक देखो मैं दोजक। आप इतना कह रहा हो तो देख लें। शादी कर ले। आप कर ले हैं, हमका कहां दिखा रहे हैं? हम तो भुगत रहे ना भाई। बाबू ए बाबू आओ हलाकू आओ। का मा बाबू आप अपने दफ्तर में ना छुट्टी का दरखास्त दे दीजिए। छुट्टी का दरखास्त पर का है? अरे हम बोल रहे ना कि छुट्टी का दरखास्त दे दे। लगता है कि तुम्हारा अम्मा जो है बहुत लंबे सफर पे जा रही है, हो सकता है वापस भी ना आए। आप चुप कीजिए, हम बोल रहे हैं कि आज ही अपने दफ्तर में छुट्टी का दरखास्त दे दीजिए। अरे हमका बताइए तो सही, बेफालतू का छुट्टी हमका है ऑफिस से ले लें। हाँ। तो पता चले हमका। हाँ। बेफालतू में नहीं, तुम्हारा शादी हो रहा है ना? का हमारा शादी हो रहा है हमका पता ही नहीं है? अभी खबर दे रहे हैं, सुन लीजिए अच्छी तरह से। शादी है, बच्चों का खेल नहीं है कि हम सो रहे हैं, आपने हमको उठाया बोला कि तुम्हारा बारात है, हम साथ चल दें, पागल है काम? ठीक कह रहे ना बाबू। अरे भाई ने तुम लड़की दिखाया ना, फोटो दिखाया तुमने, ना कोई बातचीत किया, ऐसे जाकर इस तटा कर जता रख ले लिया। आए हमरा बाबू कितना प्यारे लगे ना रूटे रूटे से। हमरा बाबू हमसे वादा किए थे ना, ये बोल रहे थे कि जब भी हम शादी करेंगे अपनी अम्मा के पसंद के करेंगे, इसीलिए थोड़े ना बोल रहे हैं। देखिए हमने आपसे कोई वादा नहीं किया था, और अगर किया भी था तो अभी तोड़ रहे हैं, बता रहे हैं आपको। ये सख्ती तुम इसलिए कर रहे हो ना, तुमको मालूम है ना अचार वाला की लड़की के पीछे कर रहे हो, सब जानते हैं हम। उही के लिए कर रहे हैं सब कुछ। सुन लीजिए कान खोल के आप लोग। थप्पड़ पर लगा देंगे तुमको। यहाँ कीजिए हम जा रहे हैं। यहाँ कीजिए। हमको क्या बोला? अरे जूते सुंघाइए इनको, दौरा पड़ गया है। का सन्नो कितना तड़पाओगी अपनी नौसदवा को? फालतू बकवास से मत कीजिए। ये फालतू बकवास लग रहा है तुमको? पहले तो बहुत अच्छा लगता था ये सारा बकवास है। वो सन्नो बेवकूफ थी, वो मर गई हैं। अल्लाह ना करे हमारे सन्नो को कुछ हो, खुदा सन्नो को सलामत रखे ना। अगर हमारी सलामती का इतना ही ख्याल था ने तो हमको इस तरह लावारिस नहीं फेंकते आप। गलती हो गई ना, हम तुम्हारा बहुत दिल दुखाया, हमको माफ कर दो, एक मौका और दे दो, फिर हम कभी भी ऐसे नहीं करेंगे ना। हमको तुम्हारी किसी बात पे भरोसा नहीं है अब। अरे मेरी जान सन्नो ऐसा मत बोलो, तुम्हारा नौसाद तुम्हारे बगैर मर जाएगा कसम से। हम तुम्हारे लिए बहुत तड़पाऊं, बहुत दिन तड़पाऊं, और अब हम बिल्कुल ठीक हो गया हूं। जैसा तुम बोलेगा ना वैसा लाइफस्टाइल बनाएंगे, बिल्कुल सीधा साधा सराफत वाला है। मेरा जान सन्नो बस एक दफा हमको माफ कर दो, हम सब कुछ छोड़ देंगे ना तुम्हारे वास्ते है। अरे सन्नो हा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 
तीर एकदम निशाने पे लगा है ने सन्नो मैडम। ये जो तुम बाबू के साथ खेल खेल रही हो ना, हमको सब मालूम है। ये क्या बोल रही है खाला? ज्यादा मासूम बनने का जरूरत नहीं है। हमरे बाबू को इतने डोरे डाल रही हो, हमको सब मालूम पड़ गया है। हम तुम्हारी अम्मा से बात करने आए हैं, इतना जवान लड़की को इतना छूट दे दिया हो। हमरे बाबू पे ये अचार वाली जादू कर दिए हैं। जब भी तो बाबू हमसे इतना बदतमीजी कर रहे हैं, कभी जिंदगी में कभी नहीं किया। ये क्या समझती है, बाबू पे जादू करके हमसे छीन लेगी? अगर वो शेर है तो हम सवा शेर है। ऐसा मजा चखा देंगे कि जिंदगी भर याद रखेगी। क्या काली को रोटी रहेगी हमारा बच्चा के लिए? अरे का बुड़बुड़ा रही हो अकेले अकेले, पागल हो गई कहा? आपको तो जैसे पता ही नहीं है कि नौ का होता है और छह का होता है। हमको ना नौ का पता है ना छह का पता है। हमको इतना मालूम है कि हमारा बेटा जो भी करेगा गलत उलत नहीं करेगा। वो चाहे अचार वाली बेटी से शादी करे या फिर मिल ऑनर की बेटी से, हम उसको बहू कबूल कर लेंगे। आप मानिएगा, हम मर के भी नहीं मानेंगे, ये बतला रहे आपको। मत मानो, ये जवान औरत हाथ से निकल जाएगी ना तो हाथ मलती रह जाओगी। शुक्र करो अभी वो बता रहा है तुमको। अगर बगैर बताए वो किसी लड़की का हाथ पकड़ के ले आएगा और तुमको कहोगा कि ये तुम्हारी बहू है, तस्लीम करो, क्या करोगे? छोटा पकड़ के घर से बाहर निकाल देंगे, समझता नहीं है? ये मोटा आप चुप कर जा, छोटा मोटा। आप बहुत सपोर्ट कर रहे हैं अपने बेटा को, ऐसा मत बोलिए। हमारा बेटा हमसे नमज ही नहीं है, बहुत जुल्म हो जाएगा। एक तो आप खुद हमारे नहीं है, ऊपर से औलाद भी नहीं बनने देते। जाइए, हम नहीं बोलते आपसे, जाइए इधर से। ये लीजिए अखबार पढ़िए, हम नहीं रहेंगे आपके साथ। खबरें खत्म रहने दीजिए। अरे खाला अम्मा, हमारा मालिक तो हैरान हो गया ने, एकदम हैरान। बोला मैट्रिक पास होकर बोझ उठाने का काम करते हो ने? फिर हमू को बोले कि हमार खाला अम्मा हमको इंग्लिश मीडियम स्कूल में मैट्रिक पास कराए हैं ने। वो बोला हमको तो इंग्लिश विंग्लिश नहीं आती। हमू को बोला हमको तो इंग्लिश आती है। हम पता है कैसा बोला? आई नो इंग्लिश, यू डोंट नो इंग्लिश। आई नो इंग्लिश, यू डोंट नो इंग्लिश, नो प्रॉब्लम, बट आई नो इंग्लिश। अरे नौसदवा, आप तो फरफर इंग्लिश बोल रहे हैं। जो भी बोले हमका तो बिल्कुल समझ नहीं आया, एकदम सर सा गुजर गया। खाला अम्मा टेंशन का कोई बात नहीं ना, तुम्हारे सर के ऊपर से गुजर रहा है, लेकिन तुम्हारे बेटे को तो पूरा समझ आ रहा है ने। एक बात और सुनो खाला अम्मा, मालिक हमका बोला है कि एक महीने बाद हमको सेलमैन बनाएगा और हमारा तनख्वाह चालू। उके बाद हर महीने तुम्हारे बेटे को तनख्वाह मिलेगा। खाला अम्मा, ये अचार वचार का बिजनेस करने का कोई जरूरत ही नहीं। हर महीने तुम्हारा बेटा तुम्हारे हाथ में तनख्वाह रखेगा, ऐसे उको खर्च करना मजे से है। अरे बेटा जीता रहो, अल्लाह तुम्हारा कमाई में बहुत बरकत दे। जीता रहो। खाला अम्मा, हमार कमाई में तो बरकत हो ही जाएगा, तुमको टेंशन वा लेने का कोई जरूरत नहीं। सन्नो दिखाई नहीं दे रही। कौन? दरवाजा खोलिए, खोलिए ना दरवाजा। ये तो सम्मू खाला की आवाज है। ये सुबह सुबह कहाँ आ गई? हाय अल्लाह, खैर कहीं हमारी शिकायत लगाने तो ना ही आ गई अम्मा के पास। सलाम खाला। तुम्हारी अम्मा कहाँ है? वो तो नहा रही है खाला, काम पे जाना। वो को बोलिए जल्दी निकल आए, बहुत जरूरी बात करना है हमको।
का हुआ खाला, सब खैरियत तो है ने? तुम हमारी माँ लगती हो, तुमको बताना जरूरी है का? नहीं नहीं, हमरा मतलब ई नहीं था समो खाला। तुम्हारा मतलब तो हम समझ गए, ये जो तुम बाबू के साथ खेल खेल रही हो ना, हमको सब मालूम है। ये का बोल रही है खाला? ज्यादा मासूम बनने का जरूरत नहीं है, हमरे बाबू को इतने डोरे डाल रही हो, हमको सब मालूम पड़ गया। हम तुम्हारी अम्मा से बात करने आए, इतना जवान लड़की को इतना छूट दे दिया हो, जाइए ना। सम्मो खाला हाथ पर लगाइए, आप बैठिए, हम बुला के लाते हैं। बुलाइए बुलाइए, हम जहाँ दावत पे ना आए बहुत तक के लेकर बैठ जाएंगे हम, जल्दी से जाइए। फोन आ रहा है भाई। हाँ मुन्नी। बाबू कहाँ हैं आप? अरे का हो गया, तुम्हारी आवाज सही नहीं लग रही है, कहीं भलाई भी काहे हो? ओ सम्मो खाला हमारे घर आई हैं, बहुत गुस्से में हैं, कह रही हैं शिकायत करेंगी, अम्मा भी नहा रही हैं, आप कुछ कीजिए ने। अच्छा अच्छा हम आते हैं अभी, यहाँ करीब ही तो है, हम आ रहे हैं, आ रहे आ रहे। रोशन अपने आप को समझ कर रही है, हमारा मालदार बेटे को फांस लेगी, फकीर ने कहीं की बेटी को जहेज में देने के लिए एक थैला भी नहीं है, इतना मालदार लड़का फंसा रही है, शर्म नहीं आती है? वो समझ रही है जहेज में अचार का बोतल देके बेटी को ब्याह देंगे। क्या हुआ, तुम्हारी अम्मा का नहाना खत्म ना हुआ? नहीं खाला, हम बता दिए हैं अम्मा को, वो कह रही है हम आ रहे हैं, आप बैठिए ने खाला, हम पानी लाए आपके लिए। नहीं चाहिए हमको पानी वानी। अच्छा तो वो रूह अफ़ज़ा लेके आएगा? रूह अफ़ज़ा है तुम लोगों के घर में? हाँ अम्मा ला के रखती है ना मेहमान लोग के लिए। अरे जाइए ना लेके आइए, हमारा हलक सूख रहा है, बहुत ज्यादा हम शोर किए हैं, जाइए ना। क्या करें, ऐसा तबीयत को खराब कर देते हैं बच्चा लोग, इश्क कर रहे थे हमारा बच्चा का साथ, हम कभी कामयाब थोड़े ना होने देंगे। अरे अम्मा आप यहाँ बैठी हैं, हम आपको पूरा गली में ढूंढ लिए। बाबू तुम ऑफिस नहीं गए? अरे ऑफिस का छोड़िए, अभी घर चलिए, अब अब्बा का तबीयत ठीक नहीं है, आइए। क्या हुआ बदरुद्दीन साहब को? अरे सवाल वाल करने का वक्त नहीं है, आइए चलिए 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 आइए। मुन्नी, अरे ओ मुन्नी, का हुआ अम्मा, का हुआ? अरे भाई ये दरवाजा ना ही खोल रहा, का बाहर से बंद कर दिए? नहीं माँ, हम काहे करेंगे ऐसा, आप जोर लगाइए बाहर की तरफ। अरे हम में कहाँ इतना जोर है जो हम इसका जोर लगाएंगे, तुम ही धक्का दो ना। ओ बारिश की वजह से दरवाजा जाम हो गया होगा अम्मा, हम जोर लगाते हैं। तो इतना ताकत लगाना पड़ा ये दरवाजा खोलने को, हम नौसाद को बोलेंगे कि इसका ठीक करके जाए। आप बाबू को बता दिए ना, बाबू हमको हुआ से ले आया, घसीट के ले आया हमको, झूठ बोल के हमको बात भी नहीं करने दिया। अरे हम उनको नहीं बताए, तुमको यकीन काहे नहीं आ रहा भाई? आपने बताए तो कौन बताए, हम तो आप ही को बोल के गए थे ना। अरे अब्बा नहीं बताए हमको। अब्बा ने बताया तो क्या फरिश्ता बताया है जो तुम आद हमके उधर? अरे फरिश्ता ने नहीं बताया हमको, हम अपनी आँखों से देखे हैं आपको वहाँ जाके, हम अपना घड़ी भूल गए थे लेने के लिए, वापस पहुँचे तो हमने आपको वहाँ पे देखा था। अरे देखा तो देखा, आप हमें झूठ बोल के वहाँ से लाए क्यों? अगर झूठ नहीं बोलते तो क्या करते बताइए, आप वहाँ से वापस आती हैं, झूठ मूठ का फसाद खड़ा कर देती ना उधर, एक मासूम सी लड़की को बदनाम कर देती हैं आप। बेचारी, वो बहुत बेचारी है, जो लड़कियां लोग लड़कों को फंसाती है ना वो बहुत बेचारी होती है। देखिए अम्मा आप इस किस्म के बातों को बंद कर दीजिए, नहीं तो हम घर छोड़कर चले जाएंगे, सारी उम्र आप हमारी शक्ल देखने को तरस जाएंगे, हम बता रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे हैं। अरे ऐसा बात ना करो बाबू, गलत बात है, हम तुम्हारी अम्मा को समझा देंगे।
समझा दीजिए, अच्छे तरीके से समझा दीजिए अम्मा को कि आइंदा अगर ये हमारी शिकायत लगाने खाला के घर गई ना तो उस दिन इस घर में हमारा आखिरी दिन होगा, बता दे रहे हैं। हर धमकी हम पर है, हम सब किया है ना, आप तो कुछ नहीं किया। अरे लव इन गुलशने बिहार, लव इन गुलशने बिहार, अरे लव इन गुलशने बिहार, लव इन गुलशने बिहार। तुम सब बातें भूल क्यों नहीं जाती? भूल ही तो गई थी मैं, वही आ गई याद दिलाने। इतनी मुश्किल से इस कोने में घर लिया था कि सुकून से रहेंगे। बाबू एक मामूली लड़के की वजह से अपने माँ से झगड़ा कर रहे हैं, उनको शर्म नहीं आती। माँ का दिल दुखाएंगे तो कामयाबी कहाँ से होगी, बदुआ लग जाएगी हमरा। आप गलत समझ रहे हैं, मेरा मतलब वो नहीं था। अरे गलत सही हमका सब पता है, हमारा वाइफ से ताक झाक बंद कर दो, नहीं तो हमारा नाम नौशाद है, हम बताए दे रहे हैं हम आखिरी हद तक जाएंगे। ने? ना अंग्रेजी गिट पिट से, न चाइना के मोबाइल से, अरे हम तो लव करते हैं बबुआ बिहारी स्टाइल से, अरे खट्टा मीठा मजेदार, लव इन गुलशने बिहार, अरे खट्टा मीठा मजेदार, लव इन गुलशने बिहार।